जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37 से जानते हैं कि क्यों क्यों कर्म को प्रधान रखा गया है। किसी भी सार में, किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो कर्म कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो तस फलु चखा। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म को ही प्रधानता दिया गया है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हतो व प्रापस्सी स्वर्गम जित्वा व वक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृत निश्चया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्ण जब अर्जुन के समीप होते हैं, अर्जुन को हमेशा बोलते हैं युद्ध कर, हे कौन्तेय युद्ध कर। लेकिन कृष्ण जो है, यानी कि आपका जो अर्जुन है, हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं वासुदेव, किससे युद्ध करूं, ये जो सामने खड़े हैं मेरे संबंधी है, मेरे गुरु है, मेरे दादाजी है, इसमें हम किसे मारूं। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, कौन्तेय हे कौन्तेय सुनो, बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है, लेकिन बड़े ही जब पाप के रास्ते पे उतर जाते हैं तो उसको धर्म सिखाना ही हमारा धर्म है। इसीलिए कहते हैं कि हतो व प्रापस्सी स्वर्गम, अगर तुम इसको मारते हो, क्योंकि ये अधर्मी है, अगर तुम इसको मारते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हें तुमने अधर्म पर विजय प्राप्त की हो, है ना। वह और क्या कहते हैं, जित्वा व भोक्षसे महिम, अगर तुम जीत जाते हो तो इस भोक्षसे महिम यानी कि इस पृथ्वी को तुम भोगोगे, इस संसार को तुम भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय करता है कौन्तेय, इसीलिए तुम ये निश्चय करके खड़े हो जाओ कि तुम्हें युद्ध लड़ना ही लड़ना है। मेरे प्यार दोस्तों, अपने जीवन में कई जगह ऐसा आता है कि हम ये निश्चय ही नहीं कर पाते हैं क्या सही क्या गलत। क्या अगर कोई बड़ा हमको सताते हैं, जैसे आपके सगे संबंधी है, कोई रिलेटिव है या कोई अपना है, बहुत करीबी है, अगर आपका शोषण करता है, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ बोल दें तो इसका अनादर हो जाएगा, हाँ, या फिर ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको वहां बोलना चाहिए जहां गलत है, जहां गलत है वहां बोलना ही चाहिए, और उसे ये बताना चाहिए ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में, इस कलयुग में ज्यादातर व्यक्ति जब आप किसी का आदर ज्यादा करने लगते हैं तो वो आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करना चालू कर देता है। उसे अगर ये चीज अनुभव हो जाता है कि ये इसको हम जो भी कहेंगे ये मानेगा ही मानेगा, मेरा बात नहीं उठाएगा, तब वहां पर व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगता है। इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए, या जब आपको अनुभव हो जाए तो इस श्लोक को याद रखना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हतो व प्रापस्सी स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, हमेशा माइंड में रखना। और यही चीज आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कलयुग में, घोर कलयुग में, अगर आप चाहेंगे कि हम ठीक से रहें, बड़े ही स्वच्छता से साथ रहें, तो आप तो रह जाएंगे, लेकिन आपका जो वातावरण है, वो जो लोग हैं, वो आपको रहने नहीं देते हैं। इसीलिए जो आपको दबाने का प्रयास करे, जो आपको कुचलने का प्रयास करे, जो आपको पूरी तरह से भ्रष्ट यानी कि नष्ट करने का प्रयास करे, चाहे वो कोई भी हो, वहां पर आपको अपना विवेक से काम लेना पड़ेगा। देखो, विवेक और मन, यानी हम बताए थे कई बार पीछे वीडियो में बनाए थे, उसमें बोले थे कि बुद्धि और मन जो है दोनों अलग अलग चीज है। बुद्धि जो है, बुद्धि विवेक को जागृत करता है, और मन इच्छा शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए मन को दबा के रखना है और विवेक से काम लेना है, ताकि उस व्यक्ति पर जो अधर्मी है उस पर हम विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, आज उम्मीद करेंगे इस श्लोक के माध्यम से आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।